हम कबूल करेंगे। जब हम कबूल कर रहे होते हैं तो अगर इंग्लिश में कबूल करना है इंग्लिश में करेंगे, हिंदी में करना है तो हिंदी में कबूली करेंगे, और अगर अपनी भाषा में समझ के साथ कबूल करना है तो वैसे करेंगे। लेकिन हमने मुँह से बोलकर इसे कबूल करना बेहद ज़रूरी है। आई हैव बीन ब्रॉट इन टू द लाइफ ऑफ अनएंडिंग जॉय, द जॉय दैट कम्स फ्रॉम द इनर मैन एंड ट्रांसेंड्स फिजिकल सर्कमस्टेंसेस। माई जॉय इज ऑफ द स्पिरिट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ circumstances. I'm never strong and alive, for the joy of the Lord is my strength. Blessed be God. मैं वहां पर लाया गया हूं जहां कभी अंत न होने वाला जीवन का आनंद है। उस जीवन में मैं लाया गया हूँ जिस जीवन में कभी अंत न होने वाला आनंद है, वो आनंद जो अंदरूनी मनुष्य से आता है और शारीरिक परिस्थितियों में उभरता है। मेरा आनंद पवित्र आत्मा की ओर से है और परिस्थितियों के ऊपर निर्भर नहीं है। मैं बलवंत हूँ और जीवित हूँ क्योंकि प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। धन्य हो परमेश्वर। आज मनन करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए जो वचन दिए हैं, 1 पीटर 1:7-8, Proverbs 17:22, Nehemiah 8:10। पहला पत्रस 1:7-8, नीति वचन 17:22, Nehemiah 8:10। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। पहला पत्रस 1:7-8, और यह इसलिए, पहले हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे 1 पीटर 1:7-8, दैट द ट्रायल ऑफ योर फेथ being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ, whom having not seen ye love, in whom thou now ye see him not, yet believing ye rejoice with joy unspeakable and full of glory. पहला पत्रस 1:7-8, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे पहला पत्रस 1:7-8,
और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। Proverbs 17 chapter 22 verse. A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bones. मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। नहमिया 8 चैप्टर 10th वर्स। देन ही सेड अनटू देम, गो योर वे, eat the fat and drink the sweet, and send portions unto them for whom nothing is prepared. For this day is holy unto our Lord, neither be ye sorry, for the joy of the Lord is your strength. हम नहमिया 8 अध्याय का 10 वचन पढ़ेंगे। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है, और उदास मत हो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है, और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है।